वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉमर्स कंसल्टिंग। हम कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। आप सबकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही है। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, आज तो मैं आपको 19 चैप्टर करवा रही हूँ मार्केटिंग मैनेजमेंट का, जो कि है प्रमोशन मिक्स। तो उसमें हम पढ़ रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रमोशन मिक्स वाला टॉपिक, ठीक है। तो हमारा तीन फैक्टर्स हो चुके हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे फोर्थ एंड फिफ्थ फैक्टर, ठीक है, जो कि आपकी प्रमोशन मिक्स को अफेक्ट करता है। फोर्थ फैक्टर इज नेचर ऑफ कंपटीशन। देखिए, मार्केट में कैसा कंपटीशन है, ये भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, ठीक है ना। ये भी क्या करता है, बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है आपके प्रमोशन मिक्स को, ठीक है। कि मार्केट में ज़्यादा कंपटीशन है तो आप कौन से कंपनीज का यूज़ करेंगे प्रमोशन मिक्स के, या अगर लो कंपटीशन है तो आप कौन सा मैथड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द प्रमोशनल एफर्ट मस्ट मैच द लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन। तो यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं, जो आप प्रमोशनल एफर्ट्स आप लगाएंगे, जो भी आप प्रमोशनल टूल्स आप या कंपनीज यूज करेंगे, वो मैच होना चाहिए। किससे मैच होना चाहिए? कॉम्पिटिशन लेवल से। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हाई है और आप बेकार से कंपनीज आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका कोई भी रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। There is a general tendency to go for high advertising, sales promotion and personal selling when there is a high competitive environment in the product market. तो उसमें यही बोल रहे हैं कि अगर आपके मार्केट में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, तो ज़्यादातर क्या क्या जो कंपनीज होते हैं वो यूज़ करती हैं, वो एडवर्टाइजिंग भी करती हैं, सेल्स प्रमोशंस की टेक्निक्स भी यूज़ करती हैं, पर्सनल सेलिंग भी यूज़ करती हैं जब कंपटीशन हाई होता है। अगर आपका कम कंपटीशन मार्केट में, तो आप उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये, जब कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है मार्केट में, तो आपको उसी हिसाब से कंपोनेंट्स यूज़ करने पड़ेंगे, ठीक है। तो फिफ्थ है आपका प्रमोशनल स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो दो तरह की प्रमोशनल स्ट्रैटेजी होती है, पुल एंड पुश स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो आप देखो, क्योंकि ना ये जो प्रमोशन स्ट्रैटेजी होती है, पुश एंड पुल स्ट्रैटेजी, ये भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है आपकी प्रमोशन मिक्स को। तो चलिए पढ़ते हैं कौन कौन सी होती हैं और क्या होता है इसमें। स्ट्रैटेजी ऑफ प्रमोशन मिक्स दैट इज पुश और पुल स्ट्रैटेजी ऑल्सो डिटरमाइन द प्रमोशन मिक्स, ठीक है। तो जो पुश और पुल स्ट्रैटेजी होती है प्रमोशन मिक्स की, वो भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है आपके प्रमोशन मिक्स के टूल्स को, ठीक है। इन अ पुश स्ट्रैटेजी, तो पुश स्ट्रैटेजी में मैं आपको एक बार मैं अपनी साइड से बता देती हूँ, फिर हम बुक से रीड करेंगे। पुश स्ट्रैटेजी में बेसिकली क्या होता है, जो कंपनी होती है वो अपनी साइड से एफर्ट्स लगाती है, ठीक है ना, अपने प्रोडक्ट को वो कस्टमर तक पहुंचाने की कोशिश करती है, ठीक है। तो वो पुश मतलब वो ऐसे ऐसे तरीके यूज़ करती है कि ये प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचे और वो उसको बाय करे, ठीक है। तो पुश का मतलब क्या होता है, ऐसे अपने प्रोडक्ट को पुश करना कि वो कस्टमर को अट्रैक्ट कर और कस्टमर उसको ले, तो कुछ हम इसमें ऐसे टेक्निक यूज़ करते हैं। पुल में क्या होता है, पुल मतलब ऐसे खींचना, आप ऐसे खींचते हैं ना, पुल ये होता है आपका पुल, ये होता है आपका पुश। तो पुल में मतलब ऐसे खींचना, देखो ऐसे खींच आप मतलब अगर आप खींचना चाहते हो कस्टमर को अपनी तरफ, ठीक है, आप पुश नहीं करना चाहते, आप सिर्फ खींचना चाहते हैं, तो आपको ऐसी चीज़ें का आपको ऐसे टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ेंगी, ऐसे मेथड यूज़ करने पड़ेंगे कि कस्टमर खुद पे खुद आपकी तरफ खींचा चलाए, ठीक है ना। आपको ज़्यादा उसके साथ सिर्फ फोड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं मार्केटिंग में कि जो कस्टमर है वो आपके पास खुद ही खींचा चलाएगा, ठीक है। जैसे कि सबसे बेस्ट टेक्निक ये है कि आपको ना अपना ब्रांड नेम अच्छा, मतलब अपने ब्रांड नेम की बहुत ज़्यादा अच्छी गुडविल करनी है, ठीक है ना। मार्केट में आपका नाम होना चाहिए, फॉर एग्जांपल एप्पल है, ठीक है। तो एप्पल ऐसा एक कंपनी, ऐसा ब्रांड नेम है, लोग इसके फ़ोन, टैब्स, आईपैड सब कुछ लेने को तैयार हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये नहीं है कि एप्पल को बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है, वो एडवर्टाइजमेंट भी करता है लेकिन एक ठीक लेवल पे करता है। अगर आप कम भी एडवर्टाइजमेंट करोगे तो जब भी कस्टमर्स आपकी तरफ आएंगे, देखो अगर फॉर एग्जांपल एप्पल कंपनी ने कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, टीवी पे ऐड आ गया, बात खत्म। तो लोगों ने टीवी पे ऐड देखा, वो खींचे चले गए और वो जो भी एप्पल का जो स्टोर्स वगैरह होंगे उधर
जाके वो ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अगर ये टेक्निक यूज करने की पुल की कस्टमर खुद ही खींचा चला है तो आपका बेस्ट टेक्निक है, अपना ब्रांड को उस लेवल तक लेके जाओ कि लोग बाग खुद ही खींचे चलाएं, ठीक है। ध्यान से सुनिए, स्ट्रैटेजी ऑफ प्रमोशन में दैट इज पुश और पुल स्ट्रैटेजी ऑल्सो डिटरमाइन द प्रमोशन में। इन पुश स्ट्रैटेजी, अब देखते हैं बुक में क्या लिखा है। इन पुश स्ट्रैटेजी द मैन्युफैक्चरर इंड्यूस हिज ओन डीलर टू कैरी द प्रोडक्ट एंड प्रमोट इट टू कंज्यूमर। तो यहाँ पे जो पुश स्ट्रैटेजी होती है, यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर होते हैं वो क्या करते हैं, वो डीलर्स को बोलते हैं भाई तुम हमारा प्रोडक्ट लेके जाओ, कस्टमर को दिखाओ, उनका ब्रेन ऐसे वॉश करो कि वो हमारा ही प्रोडक्ट लेना परचेज करे, ठीक है। पर्सनल सेलिंग एंड ट्रेड प्रमोशन आर मोस्ट सुटेबल अंडर दिस स्ट्रैटेजीज। तो पर्सनल सेलिंग और सेल्स प्रमोशन और ट्रेड प्रमोशन दो ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इस पुश स्ट्रैटेजी में यूज होती हैं। ऑन द अदर हैंड अ पुल स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व्स इंड्यूसिंग कस्टमर्स टू आस्क डीलर टू कैरी द प्रोडक्ट। देखा, इसमें उल्टा हो गया। इसमें कस्टमर्स डीलर्स के पास जाते हैं और वो बोलते हैं कि वो पूछते हैं डीलर से कि आपके पास क्या ये वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा, क्योंकि वो खुद ही खींचे चले आ रहे हैं, ठीक है। और अगर नहीं मिलता या मतलब वो वाला मॉडल नहीं आया, फॉर एग्जाम्पल आप एप्पल के शोरूम में गए जो भी आपके नियर बाई है, तो आपने उधर जाके वो लेटेस्ट उसका लेटेस्ट प्रोडक्ट का जो आपने एडवर्टाइजमेंट देखा था, आपने वो प्रोडक्ट जाके उस डीलर से पूछा, तो वहाँ पे पता चला वहाँ पे अभी आया नहीं है, तो आप उसको बोलोगे कि जब भी आए तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म कर देना, ठीक है। तो कहने का मतलब ये आप खुद ही खींचे चले जा रहे हो उधर। Advertising and consumer promotion are more appropriate for full strategy. तो advertising तो आपको करनी करनी है, क्योंकि देखो थोड़ा सा अगर कस्टमर को यही नहीं पता होगा कि मार्केट में क्या नया है, तो वो खींचा भी कब, मतलब वो खींच के भी नहीं आ पाएगा आपके पास, ठीक है। आप समझ रहे हो, जब उसको कुछ चीज़ की नॉलेज नहीं है, जब उसको किसी चीज़ प्रोडक्ट के बारे में पता चलेगा जब भी, तो वो आपके पास खींच के आएगा। तो सिंपल सी चीज़ें एडवर्टाइजिंग एंड कंज्यूमर प्रमोशन, ये वाली एक्टिविटीज आप यूज करते हैं इन केस ऑफ पुल स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो बस अब हमारे तीन और रह जाएंगे फैक्टर्स, इनको हम कल की क्लास में देखेंगे कि जितना भी कवर हो पाएगा उस हिसाब से मैं आपको करा दूंगी। तो बस आज की क्लास में इतना ही है। अगर इन दोनों में फैक्टर्स में कोई भी डाउट है तो आप आराम से कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फिर हम मिलेंगे अब कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय।